हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एमएस एडिटिंग यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज का हमारा वीडियो यहाँ पर स्नैपसीड फोटो एडिटिंग पर होने वाला है। सो स्क्रीन पर जो फोटो आपको नज़र आ रही है, तो गाइस इसी टाइप की फोटो आज हम अपने स्नैपसीड ऐप की मदद से यहाँ पर एडिट करने वाले हैं और बताने वाले हैं कि आप भी इस टाइप की फ़ोटो को कैसे एडिट कर सकते हो। तो गाइस, इस टाइप की फ़ोटो इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड अदर सोशल मीडिया ऐप पर कुछ ज़्यादा यहाँ पर वायरल रहती है। तो आज आप सीख सकोगे इस टाइप की फ़ोटो को आप कैसे एडिट कर सकते हो। सो गाइस, अभी तक आपने एमएस एडिटिंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे से रेड वाले बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ के साथ बेल आइकन भी प्रेस कर देना, जिससे हमारी वीडियो की अपडेट आपको मिलते रहे। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गाइस, चलते हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पर। हेलो फ्रेंड्स, तो आपको यहाँ पर अपने स्नैपसीड ऐप के अंदर आपकी फ़ोटो को यहाँ पर इंपोर्ट करना है या शेयर कर देना है। शेयर करने के बाद में आपका स्नैपसीड ऐप का इंटरफेस कुछ इस टाइप का आपको यहाँ पे नज़र आएगा। तो गाइस, इसके बाद में आपको यहाँ पे पेंसिल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपको नीचे की तरफ आना है, जहाँ पर आपको डबल एक्सपोजर पर आना है। यहाँ पर आने के बाद में गाइस, अब आपको यहाँ पर एक बैकग्राउंड को इम्पोर्ट करना है। तो गाइस, बैकग्राउंड का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। तो गाइस, आपको यहाँ पर ये फोटो अपलोड का एक साइन नज़र आएगा, तो गाइस इस पर आना है आपको यहाँ पर। और यहाँ से आपको एक बैकग्राउंड है कुछ इस टाइप का, बुके वाला बैकग्राउंड, तो इसको आपको यहाँ पे इंपोर्ट कर देना। और आपको बैकग्राउंड को आप फोटो पे किस जगह आप यहाँ पे सेट करना चाहते हो, वहाँ पे आप इसे सेट कर दीजिएगा। तो एक बार बैकग्राउंड की आपको ओपेसिटी को यहाँ पे बढ़ा लेना है। और आप देख सकते हो बैकग्राउंड यहाँ पे प्रॉपर आ चुका है हमारे यहाँ पे फुली फोटो पर। तो हम यहाँ पे कुछ इस जगह यहाँ पे इसको सेट करना चाहेंगे। इसके बाद में आपको ओपेसिटी को कम कर देना है। तो कैसे देख सकते हो आपकी फ़ोटो पर यहाँ पर आपकी बैकग्राउंड किस टाइप का लग रहा है, कहाँ पर आपको सेट करना हो, यहाँ पे चेक कर सकते हो ओपेसिटी से। तो एक करने के बाद में आपको ओपेसिटी को फुल करना है और यहाँ से आपको कॉर्नर से राइट क्लिक कर देना है। राइट क्लिक करने के बाद में गाइज, आपको ऊपर की तरफ एडिट स्टेक का ऑप्शन नजर आएगा, इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है और व्यू एडिट्स पर क्लिक कर देना है। और यहाँ से आपको पेंसिल वाला टूल्स को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद में गाइज, आपको नीचे की तरफ ये 100 वाला डबल एक्सपोजर, इसको आपको 100 रखना है, इसको आपको कम नहीं करना। और आपको यहाँ पर इसको बैकग्राउंड को कुछ स्टेप्स यहाँ पर आपको ड्रॉ करना है। तो गाइज, आपको पहले जो एक्स्ट्रा पार्ट है, बड़ा वाला पार्ट, वहाँ से आपको ये ड्रॉ कर लेना है। ड्रॉ करने के बाद में अगर आपको पास में ड्रॉ करना है एजेस पे आपकी फ़ोटो के मॉडल की, तो आपको इस टाइप से यहाँ पे जितना जूम करोगे उतना अच्छे तरीके से आपके यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगा। तो मैं यहाँ से थोड़ा इसे फास्ट फॉरवर्ड में ड्रॉ कर लेता हूँ, ताकि आपका टाइम भी यहाँ पर ज़्यादा ख़राब ना हो। तो गाइस, हमने यहाँ पे अपने फोटो का बैकग्राउंड यहाँ पे अच्छे तरीके से यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ करने के बाद में आपको यहाँ से इसको राइट डन कर देना। राइट डन करने के बाद में आपको यहाँ से बैक चले आना है। बैक आने के बाद में आपको अब जो इसमें करेक्शन करना है, वो अभी यहाँ पे थोड़ा अपने बॉडी वाले पार्ट में करेंगे, बैकग्राउंड पर कुछ ही करेक्शन नहीं करेंगे, क्योंकि बैकग्राउंड हमारे यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से है। तो आपको यहाँ पर आना है और आपको यहाँ पर सेलेक्टिव वाले टूल्स को सेलेक्ट कर लेना है यहाँ से, और आपको इसको अपने फेस पर सेलेक्ट कर लेना है। फेस पर करने के बाद में अब गाइस, आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको नीचे की तरफ स्ट्रक्चर वाली ऑप्शन को यहाँ पे आना है और इसको आपको यहाँ पे -30 के आसपास इसको कर देना है। और इसकी सैचुरेशन को भी आपको यहाँ पे 10 के आसपास बढ़ा देना है। कॉन्ट्रास्ट को भी थोड़ा सा आपको बढ़ा देना है 10 के आसपास, और ब्राइटनेस भी 10 के आसपास इंक्रीज़ कर देनी है। तो थोड़ा सा हम सैचुरेशन को थोड़ा सा और बढ़ा देंगे यहाँ पे 30 के आसपास सैचुरेशन बढ़ा देंगे। इसके बाद में आपको यहाँ पे ये ब्लेजर वाले पार्ट को सेलेक्ट करना है कुछ स्टेप्स, या नीचे की तरफ हम सेलेक्ट करेंगे पहले कुछ इस टाइप से, इतना हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं, जिसमें क्या करेंगे कि इसकी स्ट्रक्चर इसको थोड़ा सा कम कर देंगे और इसकी ब्राइटनेस को हम थोड़ा सा यहाँ पे कम करेंगे, जिससे हमारा थोड़ा डार्कनेस अपने यहाँ पे बॉडी के नीचे आ जाएगी और फोटो हमारी थोड़ी नकली लगेगी। इसके बाद सैचुरेशन को थोड़ा सा बढ़ाएंगे और डिटेल्स भी बढ़ा देंगे, स्ट्रक्चर को बढ़ा देंगे। इसके बाद में वापस प्लस वाला आइकन से कोट का इस साइड वाला पार्ट हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे कुछ स्टेप से इतना, और ब्राइटनेस थोड़ी सी बढ़ा देंगे, सैचुरेशन भी बढ़ाएंगे और स्ट्रक्चर को भी थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रक्चर कम कर देंगे। इसके बाद में आपको वाइट शेड वाला पार्ट सेलेक्ट करना है, इसमें आपको ब्राइटनेस को थोड़ा कम रखना है और यहाँ पे स्ट्रक्चर को बढ़ा देना है और सैचुरेशन भी बढ़ा देना है। ये करने के बाद में एक बार इसको आपको यहाँ से राइट डन कर देना। राइट डन करने के बाद में देख सकते हो हमारी फोटो यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बैकग्राउंड पर अच्छे तरीके से सेट हो चुकी है। हम यहाँ से वापस सेलेक्टिव वाले टूल्स को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और ब्लेजर के इस वाले पार्ट को हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। करने के बाद में इसमें ब्राइटनेस थोड़ा सा कम करेंगे हम, यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट बढ़ा देंगे और सैचुरेशन बढ़ा देंगे और डिटेल्स भी बढ़ा देंगे। इसके बाद जो हेयर वाला पार्ट है, इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं।
ब्राइटनेस कम करेंगे और स्ट्रक्चर को बढ़ा देंगे। इसके बाद में यहाँ से राइट डन कर लेते हैं। तो गाइस देख सकते हो तुम्हारा यहाँ पे परफेक्ट तरीके से क्लियर हो चुका है। इसके बाद में हम यहाँ पे ट्यून इमेज वाले ऑप्शन पे आएंगे, ब्राइटनेस थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे, कॉन्ट्रास्ट भी इंक्रीज़ करेंगे, सेचुरेशन भी थोड़ा सा हम यहाँ पे सेचुरेशन को रहने देंगे, और एम्बेंस वाले को आप यहाँ पे चेंज करके देख सकते हो। अगर आप एम्बेंस बढ़ाओगे तो आपकी लाइटिंग अच्छे तरीके से ग्लो करेगी। तो आपको यहाँ पे 25 पे इसको सेट कर देना है। हाईलाइट भी आपको देख सकते हो, हाईलाइट आप यहाँ पे थोड़ा सा हम हाईलाइट यहाँ पे 10 के आसपास सेट कर देते हैं। शेडो शेडो भी हम यहाँ पे 5 के आसपास सेट कर देंगे, और वार्म वार्म हम यहाँ पे -5 के आसपास सेट कर देंगे और इसको राइट इन कर देंगे। तो हमारे अच्छे तरीके से यहाँ पे हो चुका है फोटो का एडिटिंग, और विगनेट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करके कुछ स्टेप से इतना हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, और इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा 70 के आसपास सेट करेंगे, और इनर ब्राइटनेस हम यहाँ पे 10 के आसपास सेट करेंगे और यहाँ से राइट डन कर देंगे। तो गाइस देख सकते हो तुम्हारे फोटो बैकग्राउंड पे कितनी शानदार तरीके से एडिटिंग लग रही है, बिल्कुल ओरिजिनल एडिटिंग आपको यहाँ पे लग रही होगी फोटो की। तो आपको यहाँ पे नीचे आना है और इसको यहाँ पे सेव कर लेना है। तो गाइस आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और कमेंट करके गाइस ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। और गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो गाइस मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।